Myself, Dr. Seema Sharma, Assistant Professor, SD Government College, Byawar. आज हम समाजशास्त्र की वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आश्रम व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं. आश्रम का अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से है. इसके दो अर्थ हैं, वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है और दूसरा है प्रयत्न या उद्योग का प्रयत्न करना. प्रभु ने आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल माना है. हिंदू मनीषियों ने व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग को एक आश्रम का नाम दिया है. आश्रमों की संख्या 4 है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. हम यहाँ इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे. पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम. ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति जनेऊ धारण करने के पश्चात इसे प्रारंभ करता है और 25 वर्ष की आयु तक वहीं रहता है. इस आश्रम में बालक गुरु के आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और गुरु की सेवा करता है. इसमें वह ऋषि ऋण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है. इस आश्रम में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है. वह अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सीखता है एवं धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है. गृहस्थ आश्रम. विवाह संस्कार संपन्न कर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है. इस आश्रम में वह 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक रहता है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति करता है. मनु कहते हैं कि जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीवित रहते हैं, उसी तरह से गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं. वे पुनः लिखते हैं, जिस प्रकार सभी छोटी छोटी नदियाँ अंत में समुद्र में ही विश्राम पाती है, उसी प्रकार सब आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों से ही सुरक्षा और स्थायित्व को पाते हैं. गृहस्थ आश्रम में ही पुरुषार्थों की पूर्ति का स्थल है. यज्ञों का निर्वाह यहीं होता है तथा व्यक्ति समाज के कल्याण में योगदान देता है. तीसरा है आश्रम वानप्रस्थ आश्रम. वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति प्रवेश करता है. एक वानप्रस्थी को सरल, त्यागमय एवं सेवामय पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए. वह पत्नी सहित या अकेला ही जंगल में कुटिया बनाकर रहता है तथा विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देता है और उनके चरित्र का निर्माण में योगदान देता है. चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम. इसमें व्यक्ति अपने आयु जीवन के 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रवेश करता है. वह सामाजिक व सांसारिक बंधनों से पूर्णतः अलग हो जाता है और सन्यासी संसार में रहता हुआ भी पारलौकिक जीवन में प्रवेश कर जाता है और निष्काम भाव से सभी प्राणियों की सेवा करता है. आश्रमों का समाजशास्त्रीय महत्व अनेक दृष्टि से है. इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास होता है. आश्रम मानवीय गुणों के विकास एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योगदान देते हैं. ये व्यक्ति एवं समाज की पारस्परिक निर्भरता पर बल देते हैं. ये बौद्धिक विकास, ज्ञान के संग्रह एवं प्रसार तथा समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में योगदान देते हैं. ये समाज में नियंत्रण बनाए रखते हैं और समाज कल्याण को बढ़ावा देते हैं. अगला है वर्ण व्यवस्था. प्राचीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था भी है. वर्ण के 3 अर्थ हैं, वर्ण या चुनाव करना. व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय का चुनाव करना. इस अर्थ में वर्ण वह समूह है जिसके सदस्यों का एक ही व्यवसाय हो. दूसरा अर्थ है, वर्ण का अर्थ है रंग. एक रंग के लोग एक वर्ण के कहलाते हैं. और तीसरा अर्थ है व्रति.
अर्थात जिन लोगों की मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विशेषताएं एक जैसी हो, वे एक ही वर्ण के माने जाते हैं। वर्ण का अर्थ व्यक्ति के गुण व कर्म से है। वर्ण चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्णों की उत्पत्ति के बारे में अनेक विचार प्रचलित हैं। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है। उनके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और उदर से वैश्य तथा पांव से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर राधा कृष्ण, जी एस गुरिये, के एम पणिक्कर आदि ने वर्ण का आधार जन्म न मानकर कर्म को माना है। धर्मशास्त्रों में विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है वेदों का अनुशीलन, अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना। एक वैश्य का कर्तव्य है व्यापार, पशुपालन, कृषि कार्य, दान देना, यज्ञ करना और अध्ययन करना। एक शूद्र का कर्तव्य है उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। वर्ण की कई विशेषताएं हैं। यह श्रम विभाजन पर आधारित है। वर्ण विशेषीकरण में सहायक है। यह व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में शक्ति एवं अधिकारों का वितरण पाया जाता है। इसमें व्यवसायों को पूर्ण निर्धारण होता है और वह गुणात्मक प्रेरणा देता है। वर्ण आध्यात्मिकता पर भी बल देता है तथा कर्म और पुनर्जन्म की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था का कई दृष्टि से समाजशास्त्रीय महत्व भी पाया जाता है। जैसे कर्तव्य पालन की प्रेरणा देना श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पर आधारित है। यह एक लचीली व्यवस्था है। यह सामाजिक संघर्षों से छुटकारा दिलाता है और समानता की नीति पर आधारित है और शक्ति संतुलन बनाए रखता है।